नमस्कार, मैं पद्मिनी हूँ आपके साथ। बावा राष्ट्रीय न्यूज चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। अब चलते खबरों की ओर। ये खबर है चिरकुंडा की। चिरकुंडा थाना क्षेत्र के बीते दिन शनिवार 5 मार्च को दुमुरकुंडा सड़क के किनारे एक अज्ञात महिला का शव छत बिछत अवस्था में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। ग्रामीणों के द्वारा सूचना पाकर मौके पर चिरकुंडा पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर छानबीन में जुट गई थी। इसी मामले का उद्भेदन करते हुए निरसा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पीताम्बर सिंह खेरवार के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निरसा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 5 मार्च को चिरकुंडा थाना अंतर्गत दुमुरकुंडा लाइक डी मार्ग पर पता चला कि एक अज्ञात शव है। वहां पर छानबीन के क्रम में महिला का शव पाया गया, लेकिन उसका शिनाख्त नहीं हो पाई थी। महिला अज्ञात थी और हम लोगों के द्वारा कांड दर्ज किया गया था, जिसका सफल उद्भेदन हुआ। जिस महिला के बाएं हाथ पर अनिल और रूपा नाम का गोदना गोदा हुआ था, इसी आधार पर इस महिला का पहचान किया गया। काफ़ी खोजबीन के बाद उसके मां के द्वारा शव का शिनाख्त किया गया। अनुसंधान के क्रम में पता चला कि उसके पति से किसी बात को लेकर अनबन चलता रहता था। उसके पति को शक होता था, इसी आधार पर हम लोगों ने अनुसंधान किया और इसका सफल उद्भेदन किया। साथ ही साथ इस घटना में संलिप्त जिसने हत्या किया उसका पति अनिल पासवान है, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। जिसमें निम्नांकित पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी चिरकुंडा थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार, शंकर दयाल मेहता, रंजीत कुमार महतो, रमेश कुमार शामिल थे। 5 मार्च को चिरकुंडा थाना अंतर्गत डुमरकुंडा लाइट के मार्ग पर पता चला कि एक अज्ञात शव है वहाँ पर, तो उसको छानबीन के क्रम में वो महिला का शव मिला, लेकिन उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी, अज्ञात थी, और उस पर कांड दर्ज किया गया हम लोगों के द्वारा में, और इसका सफल उद्भेदन हुआ। पहले तो अज्ञात महिला को ज्ञात किया गया, क्योंकि उसका हाथ में रूपा और अनिल का नाम का गोदना गोदा हुआ था। उसके आधार पर उसका पहचान किया गया, काफ़ी खोजबीन करने के बाद मिली, तो उसके माँ के द्वारा उसका शव का शिनाख्त किया गया, और अनुसंधान के क्रम में पता चला कि उसका पति से अनबन चलता था किसी बात को, क्योंकि उसका पति को शक होता था कि उसका। दूसरे आधार पर हम लोगों ने अनुसंधान किया और इसका सफल उद्भेदन किया। साथ ही साथ इस घटना में संलिप्त जो जिसने हत्या किया उसका पति अनिल पासवान, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। और इस तरह का काम जब भी खुलता है तो एक अच्छा पुलिस के लिए और जनता में अच्छा मैसेज जाता है कि जो दोषी व्यक्ति हैं उसको हम लोगों ने गिरफ्तार करके जेल भेजा। और भी लगातार खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। हमारे आने वाली न्यूज की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।